जारी भारत कर रहा है और देश के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वो बयान दिया है जो चीन और पाकिस्तान को अब सोने नहीं देगा। देश के रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पहले भी दोहरा चुके हैं, ये नया भारत है। नया भारत घर में घुसकर मारता है। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कह दिया है कि दुनिया में बदलते जियोपॉलिटिकल हालात के बीच देश युद्ध में जाने से नहीं हिचकिचाएगा। भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। वहीं एक दिन पहले भारत ने एक बार फिर अपना रक्षा संकल्प दोहराया है। भारत ने हवा से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का किया है टेस्ट और इससे भारत बिना बॉर्डर पार किए दुश्मन के घर में घुसकर हमला कर सकेगा। इसके साथ ही भारतीय सेना के शूरवीरों को सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने वाली है, जिसे स्नाइपर की 6 गोलियां भी नहीं भेज सकी हैं। घाटी में भारतीय सेना आतंक के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स भी दे रही है, जिसमें महिला जवान शामिल हैं। और पहले देश के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का वो बयान आप सुनिए जिसमें भारत की रक्षा शक्ति की बात कर रहे हैं। The current geostrategic landscape is characterized by change taking place at unprecedented scale and speed. Recent geopolitical power plays have displayed that national interests, as far as they are concerned, countries will not hesitate to go to war. और देश के आर्मी चीफ का यही भरोसा, यही आत्मविश्वास भारतीय फौज की सबसे बड़ी ताकत है और इसकी वजह है भारत डिफेंस सेक्टर में कीर्तिमान गढ़ रहा है। एक दिन पहले ही भारत ने ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है जो चीन और पाकिस्तान के नजरिए से बेहद अहम है। सिर्फ एक दिन पहले अंडमान निकोबार द्वीप के आसमान में जबरदस्त हलचल मची। भारत के सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट ने उड़ान भरी और फिर हवा को चीरती हुई एक मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया। देश चुनावी माहौल में डूबा है, लेकिन भारतीय फौज अपनी रक्षा शक्ति को मजबूत करने में लगी है। भारत ने क्रिस्टल मेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। इसराइल के इस मिसाइल को रॉक्स भी बुलाते हैं। ये मिसाइल मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रही है। पूरा उत्तरी पाकिस्तान इस मिसाइल के जद में आ सकता है। LAC से ये मिसाइल चीन के कई ठिकानों को टारगेट कर सकती है। इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान क्यों परेशान होंगे उसे इस मैप से समझिए। जम्मू कश्मीर के उरी से बालाकोट की दूरी 81 किलोमीटर है, जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल से बालाकोट 50 किलोमीटर दूर है। 2019 में एयर स्ट्राइक के वक्त भारत के फाइटर जेट्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करना पड़ा था। तब आतंकियों के अड्डों पर जबरदस्त अटैक हुआ था, लेकिन क्रिस्टल मेज 2 की रेंज 250 किलोमीटर है। यानी अगर भविष्य में कभी भारत को बालाकोट की तरह एयर स्ट्राइक करना पड़ा तो भारत के फाइटर जेट्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा वक्त में भारत की बैलिस्टिक मिसाइल कितना काम आ सकती है उसे आप रूस यूक्रेन युद्ध की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। पिछले करीब 2 साल से रूस के फाइटर जेट्स यूक्रेन के ठिकानों पर इसी तरह एयर लॉन्च बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। अपने इलाके में ही उड़ान भरते हुए बिना बॉर्डर पार किए वो इस तरह की मिसाइल से यूक्रेन के ठिकानों को दहला रहे हैं। ऐसे में भारत की बैलिस्टिक मिसाइल भी दुश्मन पर उसी तरह कहर ढा सकती है। इसकी खासियत भी जान लीजिए। ये मिसाइल फाइटर जेट और बॉम्बर से लॉन्च हो सकती है। किसी फिक्स साइट पर न होने से दुश्मन के लिए लोकेट कर पाना मुश्किल है। बेहद ऊंचाई पर होने से दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने में सक्षम है। यानी भारत का ये वो ब्रह्मास्त्र है जो दुश्मन पर बहुत भारी पड़ सकता है। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च किया गया और इसे डेडली कॉम्बिनेशन कहा जा रहा है। एक्सपर्ट्स की नजर में भारत के इस कॉम्बिनेशन का दुश्मन के पास कोई तोड़ नहीं है। और आगे जानकारी ये भी है कि क्रिस्टल मेज 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जबकि सुखोई 30 MKI 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है। अब क्रिस्टल मेज 2 की रेंज 250 किलोमीटर है, जबकि सुखोई 30 MKI की रेंज 3000 किलोमीटर है। हालांकि क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का वजन जान लीजिए 1360 किलोग्राम और सुखोई 30 MKI का वजन 18400 किलोग्राम।
और इसी तरीके से आगे कंपैरिजन में बढ़े तो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल की लंबाई है 15 फीट जबकि फाइटर जेट की लंबाई है 72 फीट। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल के विंग स्पैन 6.6 फीट लंबे हैं जबकि सुखोई के विंग स्पैन की लंबाई है 48 फीट। और क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल के वॉरहेड का वजन 340 किलोग्राम है जबकि सुखोई 30 एमकेआई की उड़ान क्षमता 57,000 फीट है। अब क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल मोटी दीवारों वाले बंकर उड़ाने में भी माहिर बताई जाती है जबकि सुखोई की रफ्तार 2,120 किलोमीटर प्रति घंटे की है।